देश में कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल आई है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 लोग ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 71,106 हो गई है। अब देश में कुल एक्टिव केस की संख्या करीब 90,000 है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 60,000 को छूने वाला है। अभी वहाँ 59,546 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 1,982 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहाँ 19,372 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 145 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात को छोड़कर दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में 1,024 मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 16,281 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 316 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 15,562 है, जिसमें 960 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 8,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 180 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,453 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 321 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 7,170 है, जिसमें 197 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।